हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल आइस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप और हम यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के व्यू से न्यूज आर्टिकल्स को स्कैन करते हैं डेप्थ में। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल से। ये आर्टिकल है अबाउट टीबी डेथ्स अप इन पेंडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पेंडेमिक के टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। ट्यूबरक्लोसिस इंडिया ने 2025 तक का टारगेट रखा है एलिमिनेट करने का। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो टीवी से रिलेटेड अगर प्री का कुछ क्वेश्चन बनेगा तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, और ऐसा पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में कि इंडिया का एलिमिनेशन टारगेट टीबी को लेकर क्या है, कौन सा ईयर है। तो ये 2025 है। रही बात WHO की, तो WHO के हेड कौन है, कई बार रिपीट हो चुका है, डॉक्टर टेड है ना। शॉर्टकट हमने आपको बताया था, डॉक्टर टेड्रोस एंथोम करके हैं। आप केवल टेड से उनका नाम याद रख सकते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने परसेंट लोग इंडिया में टीबी से इफेक्टेड हैं, क्योंकि ये डाटा डे बाई डे चेंज होता रहता है। इनफैक्ट सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एलिमिनेशन टारगेट ईयर एंड अबाउट WHO कब बना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, एक ऐसा डाटा इम्पोर्टेंट है जो पिछले 10 ईयर को कंपेयर करे। जैसे देखिए, ये लास्ट का लाइन यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, देर वॉज ऑल्सो रिडक्शन इन द प्रोविजन ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। सम 2.8 मिलियन पीपल एक्सेस दिस इन 2020, ए 20% रिडक्शन सिंस 2019। एक साल में 21% रिडक्शन की बात की जा रही है। इन एडिशन द नंबर ऑफ पीपल ट्रीटेड फॉर ड्रग रेसिस्टेंस टीवी फेल बाई 15%। ये ड्रग रेसिस्टेंस टीवी काफी हाइलाइटेड पोर्शन है, जिसमें ये होता है कि जो आप दवाइयां, जो एक टीवी अफेक्टेड पर्सन दवाइयां लेता है, वो उसे फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगता है। दैट इज ड्रग रेसिस्टेंस टीवी, उसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ कंट्रीज को कंपेयर किया गया है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना वोज एक्शन ऑन पंडाल अटैक्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, कॉम्युनल स्ट्राइफ। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, हर एक को अपने रिलीजन को कैरी करने का, सेलिब्रेट करने का पूरा पूरा फंडामेंटल राइट है, ये हम सबको पता है। इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जब कभी कॉमनल स्ट्राइक की बात आती है। रिलीजियस माइनॉरिटी आर्टिकल 29 और 30 इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता, बट CSK विन फोर्थ IPL क्राउन, याद कर लीजिएगा आप। मुद्दू मलाई टाइगर कैप्चर्ड आफ्टर 20 डे ऑपरेशन, याद कीजिए। इस टाइगर के बारे में काफी चर्चा हुआ था। टाइगर एक नोटिफाइड एनिमल में आता है वर्ल्ड लेवल पे भी, और कंट्री में भी, इंडिया में खास करके। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा गया है इसे। अब टाइगर को नहीं मार सकते, लेकिन उसी में एक और आर्टिकल है कि अगर कोई टाइगर आदमखोर हो जाए, मैन ईटर हो जाए, तो उसे मारा जा सकता है। सेम हैपेंड टू दिस टाइगर, जिसका नाम था MDT-23। टाइगर से रिलेटेड कुछ भी हो कंट्री में, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। किस नेशनल पार्क में किया गया है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं है। आप कमेंट करके बताएं कि कंट्री का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, एरिया के हिसाब से भी और नंबर ऑफ टाइगर के हिसाब से भी। और ये हैं कितने, क्या ये 50 हो गए हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्या अपने कंट्री में टाइगर रिजर्व्स का नंबर 50 हो गया है, या नेशनल पार्क्स टोटल 50 हो गए हैं, या 50 एवव हो गए हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको ध्यान देना है जब भी टाइगर से रिलेटेड बात है। एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर भी हाल ही में नई दिल्ली लाया गया है, चेन्नई से, हाल ही में मतलब पिछले सालों में। और उसका जो अब चेयरमैन होते हैं वो MoEF होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, पहले PM हुआ करते थे। बात आगे करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल की। आज के
अखबार में आज के न्यूज़पेपर में ज्यादातर आर्टिकल आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन से मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या र्यूमर्स या किसी के आइडिया जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे आर्टिकल दिख रहे होंगे है ना, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके साथ। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है डिसाइड करने के लिए मिसिंग ट्रीज पर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जजमेंट होते हैं कभी कभी कमाल के होते हैं। पिछली बार जब गुड़गांव से जो अरावली की पहाड़ियां क्रॉस करती है कुछ पोर्शन है, तो वहां पे एक पिल गया था, पीआईएल गया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि क्या लोग हनुमान जी हो गए हैं जो पहाड़ लेकर भाग रहे हैं। तो सेम यहाँ पे हाई कोर्ट ने थोड़ा सा तंज कसा है कि ये जो ट्री है, मिसिंग ट्री है, जिनके बारे में आप बताएं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट सियोमोटो भी ले सकती है केस को और कोई पीआईएल भी डाल सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट ऑफ कंट्री का आर्टिकल याद होगा आपको 214 से शुरू होता है, 214 नंबर से शुरू होता है। 214 नंबर आर्टिकल कहता है कि देयर विल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट और वन हाई कोर्ट फॉर वन और मोर स्टेट और यूटीज। बात आगे करेंगे हम, इसमें और कुछ खास नहीं है, ये सारे रीजनल न्यूज हैं, इनसे अपना कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए दूर दूर तक। गिर आपको पता ही है, लाइन के लिए फेमस है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं जो हमारे काम का हो। सेंटर आस्क केरला टू इंक्रीज जनरेशन एट हाइडल स्टेशन। कोल को लेकर के बातें चल रही है, कोल के स्कर सिटी को लेकर के बातें चल रही है। हाइडल प्रोजेक्ट, जनरली जब हम हाइडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कोल से वाटर को गर्म करके और फिर पावर जनरेट किया जाता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। केरला बहुत वेल ऑफ स्टेट माना जाता है, वेल टू डू स्टेट माना जाता है, बट इस क्राइसिस में गवर्नमेंट ने केरला पर एक बार फिर से सपोर्ट की उम्मीद लगाई है और बोला है कि आप इडुक्की पावर प्रोजेक्ट, वहां से 780 मेगावाट कम से कम पीक आवर में प्रोड्यूस कीजिए। और इस तरीके से जितने भी आपके पास हैं, पंपा है, सोलायर है, इदामलायर है, इनके नाम ही पता चल जाता है कि ये सब केरला के हैं। सबसे ज्यादा वहां पे है जो प्रोड्यूस करता है वो सोलायर है, 98% उसका प्रोडक्शन पावर है अभी पीक आवर के टाइम पे। कोल से रिलेटेड इंडिया का पोजीशन रिजर्व में 5th है और प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हम 3rd नंबर पर हैं आफ्टर चाइना एंड यूएसए। बात हम करेंगे आगे, रिटर्न इंडोसल्फान टू कंपनी फॉर डिस्पोजल। इंडोसल्फान बहुत ही खतरनाक केमिकल रहा है जिसके कारण कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, उसमें से एक ऐसा स्पीसीज भी था जो नेचुरल सफाई कर्मी था, नेचुरली क्लीन करता था चीजों को। याद आ गया होगा आपको, मैं वल्चर की बात कर रहा हूं। अब कंट्री में कहीं वल्चर नहीं दिखाई देता और इसके पीछे इंडोसल्फान रीजन है। पहले भी इंडोसल्फान की बातें हमने की है, काफी डिटेल में की है इंडोसल्फान की बातें। इस पर बैन लगाया गया था 2007 में, 14 में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कंप्लीटली बैन हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल में कुछ भी नहीं है आज का, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, पर्सनल न्यूज है, पर्सनल थॉट है, वो भी आउट ऑफ रेंज है, आपके हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। पीएम का कहना है कि इंडिया को एक मिलिट्री पावर बनाना है खुद के ताकत पे, तो इंडिया का मिलिट्री कौन कौन सा ऐसा कैंपेन चल रहा है या प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या हम खरीद रहे हैं, जैसे हाल ही में S-400 को लेकर के काफी बवाल मचा है, अमेरिका ने कहा कि हम काटसा लगा देंगे। S-400 पर अमेरिका का काटसा, CATSA काउंटरिंग अमेरिकन AA होता है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन जो 2017 में लाया था अमेरिका ने, यूएसए ने। तो S-400 जो एक
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, यानी बाहर के कंट्री के मिसाइल अगर हमारे कंट्री में बिना परमिशन फ्लो करते हैं, बिना परमिशन फ्लो करते हैं तो हम उसे उड़ा सकते हैं, है ना। 400 किलोमीटर इसका रेंज है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, फॉर्मर सीईसी। सीईसी से याद आ गया होगा आपको आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर का बॉडी होता है, 1+2, एक चेयरमैन, 2 मेंबर। जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से लिया जाता है और जिधर 2 लोग होते हैं वो फैसला माना जाता है। सीईसी पावर में बाकी के मेंबर से ज्यादा नहीं होते, हाँ उनका डिसीजन फाइनल होता है। जैसे 2 मेंबर में एक और एक बट गए तो सीईसी जिधर जाएंगे वो फैसला माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करे, उन्हें सिंबल दे। जो इलेक्शन में एक्सपेंसेस होते हैं उसको फिक्स करे, जितनी भी चीजें हैं इनसे रिलेटेड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाए, लोकसभा का करवाए, राज्यसभा का करवाए, विधानसभा का करवाए, स्टेट लेजिस्लेटिव, जितने भी इलेक्शन हैं ये, एक्सेप्ट पंचायत। पंचायत स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अभी के इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप टाइप करेंगे तो वो 1 मिनट में ही निकल जाएगा। ये जो एलिगेशन है वो फॉर्मर सीईसी का है, एसवाई कुरैशी साहब का है, जो बुक भी काफी लिख चुके हैं। ज्यादातर न्यूज पर्सनल न्यूज है जिसे मैं छोड़ता जा रहा हूं इस पेज में। एक आर्टिकल आया है हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, इंडिया का कहना है कि इस बार का जो हंगर इंडेक्स है उसमें सही चीजें रिप्रेजेंट नहीं की गई है। बहुत बड़ा ग्रेव मिस्टेक हुआ है। जो हंगर इंडेक्स लाते हैं 2 प्राइवेट एंटिटी, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसे पूरे दुनिया का कंसर्न है, और इसलिए ये आयरिश कंपनी है, इनफैक्ट आयरिश इंस्टीट्यूशन है, और एक है जर्मनी का जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे, जर्मन नेम है वेल्ट हंगर हिल्फे, ये जर्मनी का है। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, करवाता हूं आपको। आयरिश कंपनी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे, एक जर्मन का एक आयरिश का, ये दोनों मिलकर के हंगर इंडेक्स लाते हैं एवरी ईयर। इस बार के इंडेक्स में इंडिया को जो पोजीशन दिया गया है आउट ऑफ 116 कंट्री वो 101 दिया गया है, यहां मेंशन भी है आर्टिकल में। नो डाउट कंट्रोवर्शियल हो गया है तो और इंपॉर्टेंट हो गया है। 101 पोजीशन इंडिया को दिया गया है 116 कंट्री में, यानी केवल 15 कंट्री हमसे ज्यादा भूखे हैं, लाचार हैं। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ लोग भूखे नहीं है, इंडिया ज्यादा भूखा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ का जो आर्टिकल है नॉरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स इन इंडिया, उसके अगेंस्ट है। इंडिया का कंसर्न बहुत ही रियल है, ये बहुत ज्यादा ग्रेव मिस्टेक है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑब्वियसली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए। मतलब बिल्कुल फालतू में कुछ भी उठा कर दे दो कि इंडिया में 101, इंडिया 101 पोजीशन पर है, सारे लोग यहाँ पे भूखे नंगे हैं, है ना। इंडिया को ऑब्वियसली स्टर्न स्टेप लेना चाहिए इन मामलों में और ऐसी पब्लिकेशन को बैन करवाना चाहिए। क्यों बैन करवाना चाहिए, मैं आपको इसका रीजन देता हूं। हंगर इंडेक्स के 4 पिलर हैं। एक पिलर है अंडर नॉरिशमेंट, और जब यूनिसेफ ने अंडर नॉरिशमेंट का रिपोर्ट लिया लाया था तो इंडिया उसमें वेल टू डू था। तो पहली बात कि अंडर नॉरिश तो है नहीं इंडिया में बहुत ज्यादा, यहाँ पे लोग बच्चे दुबले पतले बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयरिंग टू अदर कंट्री, ऐसा नहीं है कि 101 नंबर पे प्लेस कर दो।
जो दूसरा इसका पिलर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, वो चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वैसे चिल्ड्रेन जो अंडर 5 हो और लो वेट हो उनके हाइट के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट डिवाइडेड बाई हाइट, हाइट ज्यादा हो वेट कम हो इसे वेस्टिंग बोला जाता है। जो तीसरा पिलर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग इसका मतलब होता है कि अंडर 5 में वो लोग जो लो हाइट है उनके एज के हिसाब से, हाइट डिवाइडेड बाई एज। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था अंडर नॉरिशमेंट, यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। सेकंड पिलर क्या है? वेस्टिंग। थर्ड पिलर क्या है? स्टंटिंग। और फोर्थ पिलर है चाइल्ड मोर्टलिटी, मोर्टलिटी। इसका मतलब होता है कि अंडर 5 पर 1000 कितने बच्चे डेथ का शिकार हो जाते हैं। अब अगर इन चारों में से बाकी के रिपोर्ट को देखें तो इंडिया कहीं भी 101 पर नहीं रहेगा, मैक्सिमम इसे 50 to 60। ठीक है, हम नंबर 1 पे नहीं जा सकते थे, बेलारूस और बोस्निया, ब्राजील, चिली नहीं हो सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें पाकिस्तान से भी पीछे फेंक दो, बांग्लादेश से भी पीछे फेंक दो। एक तरीका का एम्बरेसमेंट है और ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट इस पे एक्शन सही लेगी और लेना भी चाहिए। आज के आर्टिकल को एक बार देखते हैं पढ़ करके क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है। इट इज नोटेड विद सरप्राइज फ्रॉम एफएओ रिपोर्ट। एफएओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2001, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ का एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। दैट द अदर 4 कंट्रीज ऑफ द रीजन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका हैव नॉट बीन अफेक्टेड ऑल बाई कोविड-19 पेंडेमिक इंड्यूस लॉस ऑफ जॉब, बिजनेस, रिडक्शन इनकम लेवल, रादर दे हैव बीन एबल टू इंप्रूव देयर पोजिशन ऑन द इंडिकेशन इंडिकेशन इंडिकेटर प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नॉरिश पॉपुलेशन। एफएओ का कहना है कि 4 कंट्री जो इंडिया के पड़ोसी भी हैं, कुछ बाउंड्री वाले कुछ मैरीन वाले, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड कोई इफेक्ट नहीं हुआ है एम्प्लॉयमेंट और रहने सहने और खाने पीने के मामले में, बल्कि उनका सुधार हुआ इतने इतने परसेंट से। ठीक है जी। GHIS स्कोर्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टलिटी। इच कंट्री GHIS स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सेवरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग, और हम एक्सट्रीमली अलार्मिंग में है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अंडर नोरिशमेंट डाटा आर प्रोवाइडेड बाई द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड चाइल्ड मोर्टलिटी डाटा आर सोर्स फ्रॉम द UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉनिटरी मोर्टलिटी एस्टिमेशन। चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग डाटा आर ड्रॉन फ्रॉम द ज्वाइंट डेटाबेस ऑफ यूनिसेफ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक अमंग अदर्स। ये जितने भी सारे हैं रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन के अदर ऑर्गेनाइजेशन या FAO, इन सबके जो पुराने रिकॉर्ड हैं इंडिया के बारे में, पुराने का मतलब 2021 का ही, बट दूसरा दूसरा रिपोर्ट है, किसी ने अंडर नरिशमेंट का अलग से लाया हुआ है, किसने मोर्टलिटी का लाया हुआ है, तो इसमें इंडिया को कहीं भी वीक नहीं दिखाया गया है। तो अचानक से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 101 पर कैसे आ गए? ये गलत चीज है। बाकी डिटेल में आप इसका सर्च कर लें, जितना आप जानना चाहते हैं उतना मिल जाएगा। एक आर्टिकल आया है ईरान आर्कड बाई अदानीज पोर्ट कार्गो बायकॉट। आपको याद होगा 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया गया था, एक पोर्ट है गुजरात में मुंद्रा, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। मैं नेचुरल की नहीं बात कर रहा, गवर्नमेंट ऑन्ड की बात नहीं कर रहा, लार्जेस्ट प्राइवेट ऑन्ड पोर्ट है जो अदानी ग्रुप चलाता है। और जब यहां से 3000 किलोग्राम हेरोइन मिला था तो अदानी को काफी एम्बरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। फिर वो तरह तरह की चीजें अपना रहा है कि पाकिस्तान से होकर के जो भी कार्गो आएगी हम उसे अलाउ नहीं करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, भूटान चाइना साइन एमओयू फॉर 3 स्टेप प्रोसेस टू एक्सपेडाइट बाउंड्री टॉक्स। और ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है क्योंकि भूटान और इंडिया का रिलेशन 1949 से एक फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत चलता आ रहा है और भूटान को हम न केवल एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं बल्कि हम उसे सब्सिडी देते हैं बहुत सारी चीजों में। वहां के स्टूडेंट्स को हम यूपीएससी में बैठने का मौका देते हैं। भूटान के डिफेंस सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड नेशन में भूटान को इंडिया रिप्रेजेंट करता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि भूटान धीरे धीरे चाइना की तरफ जा रहा है? नेपाल ऑलरेडी जा चुका है, श्रीलंका ऑलरेडी जा चुका है, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई कमी रह गई है या इंडिया का जो पुराना पॉलिसी है बिग ब्रदर की उसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है आज के ग्लोबल टाइम में? एक नजर डालते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशन पर। चाइना भूटान के साथ क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या इंडिया पे पड़ रहा है बिल्कुल आपको मतलब होना चाहिए, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। तो जैसा कि हमने बताया, इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 एक एक्ट है, 1949 में इंडिया और भूटान के सिग्नेटरीज ने साइन किए हुए हैं इस एक्ट को, जिसमें भूटान इंडिया के साथ हमेशा लॉयल रहेगा और इंडिया हमेशा भूटान के लिए बिग ब्रदर की भूमिका निभाएगा, ऐसा कहा गया था। 2007 में इस ट्रीटी को मॉडिफाई किया गया, कुछ इंप्रूवमेंट किए गए इसमें आज के हिसाब से, आज के तौर तरीके से, जिसमें यह भी आया था कि भूटान बाहर से आर्म्ड लाइसेंस आर्म्ड रिलेटेड चीजें इंपोर्ट कर सकता है प्रोवाइडेड इंडिया को उससे कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन ना हो। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें भूटान की, तो भूटान 4 स्टेट को टच करता है। अनडाउटली ये एक बफर जोन है चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना और इंडिया के बीच में भूटान एक बफर जोन का काम करता है, एज वेल एज भूटान 4 स्टेट को टच करता है, ये है आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आप इसको कोड में ऐसे याद रख सकते हैं, वास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम आया था, वो WASH था, हैंड योर वास वाला। ये है वास, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल एंड सिक्किम। भूटान इस वास को टच करता है। इसके अलावा भूटान इंडिया के साथ लगभग एवव 600 किलोमीटर बॉर्डर टच करता है और भूटान की वजह से उस इलाके में इंडिया चाइना के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। भूटान से ज्यादातर इंडिया का इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, गैस पाइप प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है और कुछ छोटी मोटी चीजों से रिलेटेड होता है। भूटान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया है, मैं उल्टा नहीं इसको करूंगा, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भूटान नहीं है, बट भूटान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया है। सो ये सब चीजें इस न्यूज आर्टिकल को देखकर आपको याद आना चाहिए और रहना चाहिए, बाकी आप इसके हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे जाके गूगल में सर्च करके। कंपैशन कैन नॉट बी फॉर एवर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टाइम के साथ कंपैशन भी चला जाता है। ये कश्मीरी माइग्रेंट पे इन्होंने ऑर्डर पास किया है और ये फेनोमेना है कश्मीरी माइग्रेंट का 1992 का, जिस जो कि काफी बदनाम ईयर रहा है मोर देन वन रीजन। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे सर आंखों पर, आज क्या कहा है उसे भी अपना लेते हैं। कंपैशन कैन नॉट कंटिन्यू इन परपेचुइटी, द सुप्रीम कोर्ट सेड इन एन ऑर्डर होल्डिंग दैट कश्मीरी माइग्रेंट्स हू रिटायर्ड एज गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट स्टे इन ऑफिशियल अकोमोडेशन इंडेफिनेटली। द ऑर्डर वाज पास्ड बाय ए बेंच ऑफ जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड एस बोपन्ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, आपको याद होगा 5 या उससे ज्यादा जज होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। एप्लीकेशन फिल्ड बाय रिटायर्ड ऑफिसर ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन इन दिल्ली एंड गुड़गांव, सम ऑफ दीज ऑफिसर हैड बीन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड सर्वड इन क्रिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिसेस, एप्लीकेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द गवर्नमेंट अकोमोडेशन एट द कॉस्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, द कंपैशन शोन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स हैज टू बी बैलेंस्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विंग ऑफिसर्स टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली, द रिसेंट ऑर्डर सेड।
कोर्ट स्ट्रक डाउन आर्बिट्री एंड ऑफिस मेमोरेंडम अलाउइंग गवर्नमेंट रिकॉग्निशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज हु वेयर कश्मीरी माइग्रेंट्स इज सेड पोस्ट रिटायरमेंट द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग कश्मीरी माइग्रेंट्स वेयर ग्रांटेड पेंशंस पेंशनरी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मंथली पेंशन द क्लासिफिकेशन मेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वेयर कश्मीरी माइग्रेंट्स स्टूड ऑन द सेम फुटिंग एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉई और पब्लिक फिगर्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नमेंट का जो एफेक्शन है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काम कर चुके हैं इंक्लूडिंग आईबी एंड व्हाटएवर, उनको रेसिडेंस देना अच्छी बात है लेकिन आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते और खास करके एट द कॉस्ट ऑफ जो सर्विंग है। सही बात है, इमोशन अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह है, ड्यूटी अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट को ये सब पावर कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट का पावर शुरू होता है कहां से? आर्टिकल नंबर 124 से। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 चैप्टर 5 एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट, ये जुडिशियरी वाला जो पार्ट है, आर्टिकल 124 कहता है कि देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 144 43 42 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक नजर जरूर इन पे डाल लें। फॉल इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन पंजाब एंड हरियाणा सेज पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, क्योंकि एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं हम। CAQM, CAQM का मतलब है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आप इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है और इसी साल अप्रैल 13 को इस ऑर्डिनेंस को पास किया गया था, अप्रैल 13 को इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है 2021 में। इस ऑर्डिनेंस से कमीशन बनाया गया जिसका नाम है कमीशन और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कई एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि CAQM विल सुपरसीड द CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बने हुए हैं। CAQM इज मोर इंपॉर्टेंट देन CPCB। अगर CAQM को लगता है कि CPCB की ये बात नहीं माननी चाहिए तो नहीं मानेगा, और CPCB इसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक प्रोविजन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंस बता रहा हूं CAQM का। डिटेल में जानते हैं CAQM के बारे में। 13 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसका फंक्शन क्या क्या होगा? इसका फंक्शन होगा कि NCR का जो रीजन है और आसपास के जो दिल्ली टचिंग स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां पर स्टबल वर्निंग को कंट्रोल करने के लिए कमिटी, सब कमिटी जो बनाना पड़ता है बनाओ, इस कमीशन को कहा गया। लेकिन स्टबल वर्निंग को रोको, पॉल्यूशन को रोको, हर हाल में रोको। एक फ्रेमवर्क देना है एयर पोल्यूटेंट के लिए जिसमें एक टाइम लिमिट बनाया जाए, और वो टाइम लिमिट था कि कंट्रोल करना है, इतना परसेंट कम करना है। हरियाणा ने 17% कम कर दिया, पंजाब ने 70% कम कर दिया अस्टबल वर्निंग को, एयर पोल्यूशन भी कम होगा। ट्रेन भी करेगी CAQM इसके लिए, जो हायर करेगी उनको। इसका पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी ऐसे एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेगी जो एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करे। ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी रिसर्च रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या ऐसा कुछ भी चल रहा है जिससे एयर की क्वालिटी डिटेरियरेट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात, CAQM इज द सोल अथॉरिटी विद ज्यूरिसडिक्शन ओवर मैटर्स डिफाइन इन ऑर्डिनेंस। कोई आगे पीछे नहीं है इसका, जो इसने कहा वो होगा, ना तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नहीं स्टेट PCB, नहीं कोई और स्टेच्यूटरी बॉडी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है अभी, ये भी स्टेच्यूटरी बॉडी है, ऑर्डिनेंस से लाया गया है। लेकिन सबसे जो सुनकर के आश्चर्य लगता है वो ये है कि इसको CPCB से ज्यादा पावर दिया गया है।
कंपोजिशन में एक चेयरमैन होंगे और बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे का मतलब लेस देन 10 होंगे, तो बहुत सारे ही हैं, 10 भी हैं तो। अस्टबल वर्निंग ना केवल पंजाब का बल्कि आसपास के जो स्टेट है उन्होंने भी देखा था कि वहां के फार्मर, जैसे यूपी में, यूपी इसके लिए नहीं जाना जाता था, वहां भी ये चीजें शुरू हो गई थी। एक नजर आर्टिकल पे डाल लेते हैं। CAQM के बारे में तो मैंने बाहर की बातें बता दी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक नजर डालते हैं आज का आर्टिकल क्या है। देयर इज ए 70% रिडक्शन सो फार इन इंस्टांसेस ऑफ स्टबल वर्निंग इन पंजाब एंड 18% इन हरियाणा फ्रॉम लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑन फ्राइडे बाई द CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। In 8 district of Uttar Pradesh, there were 22 instances of warning this year compared with 42 last year. एक डीकम्पोजर की बात की थी हमने लास्ट टाइम, जो लिक्विड होता है और वो जो डेट्री वायरस होते हैं जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं उनसे बेहतर होता है ये, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम डीकम्पोजर यूज करेंगे, बायो डीकम्पोजर यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे। अच्छा, कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिल्ली का एक एक्ट था एयर क्वालिटी को लेकर के और पॉल्यूशन को लेकर के, उसे मर्ज कर दिया गया है, इनफैक्ट उसे हटा दिया गया, वो है ही नहीं। तो दो तीन चीजें याद रखें, CPCB से ज्यादा पावर है। दिल्ली का जो अपना एक्ट था पॉल्यूशन से रिलेटेड उसे डिमिनिश कर दिया गया, अब वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। CAQM सोल अथॉरिटी है, जो ये कहेगा जो ये करेगा वो सही है, इसके लिए ये बहुत सारा कमेटी बना सकता है, सब कमेटी बना सकता है। 13 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे लाया गया है। बढ़ते हैं आगे। रिसर्च सेंटर फॉर इंडियन आर्ट सेटअप इन ज्यूरिख म्यूजियम। इंडियन आर्ट और राजस्थान और पेंटिंग, तो याद आता है ठनी बनी, जो कि राजस्थान का एक मार्वल पेंटिंग स्टाइल है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जगह पड़ता है, म्यूनिक, ज्यूरिख, ये सारे वहां पे म्यूजियम है, वहां पे राजस्थान के आर्टिस्ट को सम्मान दिया गया है, फेलो है, रिसर्च फेलो अपॉइंट किया गया है, वो फर्स्ट रिसर्च फेलो है। नाम उनका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात आए तो कुछ चीजें तो आप एक बार रिवाइज कर ही लें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जर्मनी में सिंहासन चेंज हो रहा है, एंजेला मर्कल जो काफी दिन रह चुकी चांसलर, उनकी जगह ओलाफ शोल्ज आ रहे हैं। ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी अभी वहां पे इलेक्शन हुआ था उसमें एंजेला मर्कल श्योर एंड शॉर्ट वो जा रही हैं। वो पिछले 15 ईयर से जर्मनी की चांसलर थी लगभग। जर्मनी को कौन सा कंट्री टच करता है, कौन सा आसपास का सी है, ओशियन है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जर्मनी किस ग्रुप में क्या रोल प्ले करता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया जर्मनी का रिलेशन क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप जर्मनी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें तो ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यूएस इंडिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग एड्स फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। जब बात क्लाइमेट फाइनेंस की आती है तो दो फंड आपको याद आना चाहिए, एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, जो 1993 में जब वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था तब ये फंड बनाया गया था कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करवाएगी, और एक 2010 में फंड लाया गया जो अब तक चल रहा है, ग्रीन, यहां जी ग्लोबल के लिए है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, और यह है ग्रीन क्लाइमेट फंड, या सिंपली आप क्लाइमेट फंड कह सकते हैं GCF, ये 2010 में लाया गया। इसके अलावा 2015 में जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ
उसमें एक फंड बनाने की बात कही गई जिसमें कहा गया कि $100 बिलियन पर ईयर, थोड़ा सा ज्यादा है ऑफ कोर्स, और इसलिए अब तक $1 भी नहीं मिला क्योंकि टारगेट ही इतना ज्यादा रख लिया गया, तो यही होना है। सो $100 पर बिलियन 2021 तक डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग के लिए प्रोवाइड करवाएंगे, एक फंड के बारे में बात की गई थी। अभी कल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएस में उन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, दोनों की बैठक हुई थी, उसमें इस पे बात हुई है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान एंड यूएस, ये सब इंडिया को कह रहा है कि जो आपका टारगेट है 2030 तक का, जिसमें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन बढ़ाने जा रहे हो, एक्चुअली उसको आप जीरो करो, मतलब आप कार्बन इमिट करो ही मत, कोयला यूज करो ही मत। इंडिया ने कहा ठीक है कर लेंगे, तुम लोग अपना टारगेट माइनस करो। यहां आज के आर्टिकल में इस चीज को यूज किया गया है, देखिए, यूएस एंड यूके टू प्रोवाइड ए डेडलाइन टू रीच नेट जीरो एमिशन, इंडिया हैज सो फार नॉट मेड कमिटमेंट्स बियॉन्ड इट्स पेरिस रिलेटेड गोल्स एंड हैज आर्ग्यूड दैट रिच कंट्रीज मस्ट मूव टूवर्ड्स नेट माइनस कमिटमेंट। ये नेट माइनस कमिटमेंट, इंडिया स्लोगन देने में पीछे नहीं रहता है, नारा लगाने में तो हम नंबर वन है, टिट फॉर टैट में हम नंबर वन है। फॉरेन कंट्रीज हमें कह रही है जो डेवलप्ड है कि भाई 2030 तक जो आपका इन्वायरमेंट को लेकर के है उसको आप नेट इमिशन जीरो करो, हमने कहा कर लेंगे, तुम माइनस करो क्योंकि तुम डेवलप्ड कंट्री हो, है ना। याद कीजिए, हमने कई बार, इंडिया ने कई बार स्टैंड लिया है अकेले, और जो जवाब होता है, रिप्लाई होता है, वो बेजोड़ होता है। पहले भी बहुत सारी चीजें आई हैं जो अकेले इंडिया की तरफ से गया है। ये सब चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है ग्लासगो में, COP26। COP26 कहां हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टारगेट क्या है 2030 तक, कितना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी वो इंडिया करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों का ध्यान रखें आप। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की तरफ, जो भी लगेगा कि हाँ अपने पास इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टर्म आया है रूफ टॉप सोलर, सोलर एनर्जी एवर ग्रीन टॉपिक है, इंडिया मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ये रूफ टॉप सोलर में क्या होता है कि छत के ऊपर आप सोलर पैनल लगा देते हैं, फिर जब सन आता है तो एनर्जी आपको मिलता है बिना किसी हाइड्रो पावर के, बिना कोयला जलाए हुए। हाँ, सोलर पैनल जिस सिलिकॉन के बने हुए होते हैं उसका सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट उससे रिलेटेड है कि रूफटॉप सोलर पैनल में जो चीजें यूज हो रही हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयरिंग टू अदर वर्ल्ड। हम डिस्कस करेंगे इसे काफी डिटेल में, ये बहुत एवर ग्रीन मिशन, बहुत एवर ग्रीन टॉपिक है और इससे क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट होते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया के सोलर मिशन से। इंडिया का सोलर मिशन मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसका उन्होंने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNNSM के नाम से लॉन्च किया था 2010 को। हम बात कर रहे हैं नेशनल सोलर मिशन की, शुरुआत होती है इसकी 2010 में। जब अपने करंट प्राइम मिनिस्टर 2014 में आते हैं तो वो इसे मॉडिफाई करते हैं, और 2014 में तो वो आए ही थे, 2015 में जब वो मॉडिफाई करते हैं तो टारगेट जो 20 गीगावाट था 2010 में उसे बढ़ाकर कर देते हैं 100 गीगावाट 2022 तक, और हाल ही में इसे वो और बढ़ाते गए हैं 175 इन्होंने कर दिया, क्योंकि 20 गीगावाट जो टारगेट था 2022 का वो 2018 में ही अचीव कर लिया गया था, 4 साल पहले। तो इसे मोटिवेट होकर के टारगेट को और बढ़ा दिया गया है। करेंट स्टेटस आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल नेशनल सोलर मिशन 2010 में लॉन्च किया गया था, 2015 में
करेंट गवर्नमेंट ने टारगेट बढ़ा करके 20 गीगावाट से 100 गीगावाट कर दिया गया 2015 में 2022 तक, क्योंकि वो जो 20 गीगावाट टारगेट है 2018 में ही गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया, तो ये 100 गीगावाट से भी बढ़ा दिया गया है। करेंट में 175 के आसपास है ये। आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया को घसीटा था WTO में पिछले साल। रीजन था कि जो अपना नेशनल सोलर मिशन है उसमें कुछ कंपल्शंस हैं, डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, लाइक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें बनेगी ऑब्वियसली इंडिया कोशिश करेगा कि कंट्री में बने। और इसी में क्या हुआ है कि दो चीजें, एक है कि 60% से जो ज्यादा सिस्टम कॉस्ट है, 60% से ज्यादा सिस्टम कॉस्ट है वो इंडिया खुद अपनी फैक्ट्रीज में डेवलप करेगा। मतलब अगर 100 रुपए का बन रहा है एक सोलर पैनल तो 60 रुपीज ऑब्वियसली इंडिया का खुद का होना चाहिए, सबका सब इंपोर्ट नहीं करना है। मैं एक बार जो डोमेस्टिक कंपल्शन है उसे डिटेल में आपके लिए पढ़ देता हूं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिएगा। गाइडलाइंस फॉर द सोलर मिशन मैंडेटेड सेल्स एंड मॉड्यूल्स ऑफ सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन क्रिस्टलिन सिलिकॉन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया दैट अकाउंट्स टू ओवर 60% ऑफ टोटल सिस्टम कॉस्ट। फॉर सोलर थर्मल गाइडलाइंस मैंडेटेड 30% प्रोजेक्ट टू हैव डोमेस्टिक कंटेंट। A vigorous controversy emerged between power project developers and solar PV equipment manufacturers. The former camp prefers to source modules by accessing a highly competitive global market to attain flexible pricing, better quality, predictable delivery and use of latest technology. जब ये domestic compliance आया, domestic circumstances put किए गए, तो हमारे यहाँ की कंपनियों ने against proposal रखा कि इंडिया से जो चीजें मिलेगी वो हमें महंगी मिलेगी, टाइम पर नहीं मिलेगी, इसलिए ग्लोबल मार्केट का अप्रोच बंद नहीं किया जाए। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा एटलीस्ट 60% सिस्टम का कॉस्ट कंट्री का होगा, कंट्री मेड होगा, कंट्री डेवलप्ड होगा, और 30% ओवरऑल कंपोनेंट जो कंटेंट है वो 30% डोमेस्टिक होंगे। इस बात पे ना केवल इंडियन कंपनीज बल्कि यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ये WTO गया था, उसका कहना था कि WTO का जो एग्रीमेंट है उसको वायलेट करता है इंडिया का ये क्लेम कि ओनली लोकल कंपोनेंट है वो यूज किए जाने चाहिए और इससे इंडिया का लोकल पोटेंशियल ग्रो करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी यही चाहिए। कुछ और बातें करते हैं, रैंक देखते हैं सोलर एनर्जी में इंडिया का कितना है। सबसे ज्यादा चाइना का है नो डाउट, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, पांचवें नंबर पे इंडिया है, फिफ्थ पोजीशन पे। और जुलाई 2021 तक का कंडीशन है कि इंडिया 38 जीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करता है। अपना पोजीशन, इंडिया का पोजीशन सोलर एनर्जी में फिफ्थ है। अभी राइट नाउ 2021 जुलाई तक हम 38 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टारगेट 2022 तक 175 रखा गया है, 2015 में 100 था, 2010 में ये 20 गीगावाट था केवल। चाइना नंबर वन पर है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क राजस्थान में है जिसका नाम है भाडला, BHADLA, भाडला सोलर पार्क। जैसे नेशनल पार्क को एनपी कहा करते हैं, सोलर पार्क को एसपी कहा करेंगे। नेशनल पार्क जैसे टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है, सोलर पार्क एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाडला सोलर पार्क जो राजस्थान में है सबसे बड़ा नेशनल लार्जेस्ट सोलर पार्क है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पे। अगर स्टेट की बात करें कि कंट्री में सबसे ज्यादा कौन स्टेट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर से राजस्थान है। और याद रखना तो आसान हो गया कि जब सबसे बड़ा सोलर पार्क वहां बनाया गया एरिया के हिसाब से तो स्टेट भी वही होगा। पिछले साल तक गुजरात था लेकिन अब राजस्थान है, तो गुजरात आप टिक ना कर दें।
राजस्थान 7,737 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है सोलर एनर्जी, ये सितंबर 2021 का रिपोर्ट है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर सोलर एनर्जी की हिस्ट्री की बात करें तो सोलर सेल का इन्वेंशन जिसने किया था उसका भी नाम सेली था, उनका नाम था रसेल, उनका नाम था रसेल। इन्होंने 1939 में सोलर सेल को इन्वेंट किया था जो आज हम यूज कर रहे हैं इंप्रूवमेंट के साथ, रसेल। तो सोलर सेल से याद आएगा आपको रसेल, याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सोलर ट्री हाल ही में दुर्गापुर में वर्ल्ड का क्लेम किया गया था कि सबसे बड़ा सोलर ट्री एस्टेब्लिश किया गया है, और स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछे थे कि 11,500 वाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सोलर ट्री एसटी दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री है जिसे टीआईएफआर वगैरह ने मिलकर के किया है। दूसरा सबसे बड़ा यूके में है, लंदन में है। कुछ और इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है और हमें जानना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए सोलर से रिलेटेड, वो इसका एस्टेब्लिशमेंट, सोलर पार्क का एस्टेब्लिशमेंट। इंडिया में अभी करेंटली कितने सोलर पार्क हैं, सबसे बड़ा कौन है, ऑलरेडी मैंने वडाला आपको बता दिया है, वाडला जो भी कहें। एक और कंसेप्ट चल रहा है फ्लोटिंग सोलर पार्क का, इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन है। और सबसे बड़ी चीज मैंने पिछले आर्टिकल में भी कहा था कि हम नारा देने में स्लोगन देने में किसी से काम नहीं है। चाइना ने कहा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, हमने कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सन दुनिया में एक ही है यूनिवर्स में, वर्ल्ड भी एक ही है, तो ग्रिड भी एक ही होना चाहिए। इसको शॉर्ट में कहते हैं ओसो डब्ल्यू जी, ओसो ओ डब्ल्यू ओ जी। ये प्रधानमंत्री ने पिछले अगस्त में नारा दिया था ओसो जी, ओसो जी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस स्लोगन का मकसद है और इसके पीछे जो पॉलिसी बनाई गई है उसका टारगेट है कि पहले जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अपने ग्रिड से सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाएं और धीरे धीरे इन चीजों को वर्ल्ड लेवल तक ले जाएं, क्योंकि सन कभी सेट नहीं होता। इस पॉलिसी में ये मोटो रखा गया है कि सन नेवर सेट्स, कहीं ना कहीं हमेशा रहता है वो, और इसी पे बनाया गया ये पॉलिसी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। बात करेंगे अगले न्यूज आर्टिकल की, इंडियन रिटेलर सिक्स प्रोब इनटू अमेजॉन सीनेटर अर्थ ब्रेकअप। याद कीजिए अभी 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए को अमेंड किया गया था, हाँ ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस बहुत फेवरेट चीज है गवर्नमेंट की। सीपीए 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अमेंड किया गया था 2019 में, और एक नया एक्ट बनकर के आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें ये जितने भी ई कॉमर्स करने वाले इंडस्ट्रीज हैं इन सबको लाया गया घेरे में, इन सबको कंट्रोल में लाया गया, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीजें करते थे, सेल लगा देते थे अचानक से, जो दुकान वाले 10 रुपए में बेचना है ये 5 रुपए में बेचना शुरू कर देते थे, विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंट्री, विदाउट एनी रिसिप्ट, विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने इन सबको कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया। अब वो अमेंडमेंट का एक जो सबसे टफ रूल है आपको याद रखना चाहिए और पूछा जा सकता है और मेंस में आपको मेंशन करना चाहिए कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा कंपनी से और उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपने
कंज्यूमर फोरम में डाल दिया कंप्लेन। तो अगर कंज्यूमर फोरम या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी उस ई कॉमर्स करने वाली एजेंसी को अगर इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो केवल और केवल 72 घंटे में 72 आवर में वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाएगी हर हाल में। ये प्रोविजन है। कुछ और चीजें हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। एक टर्म यूज हुआ है ई कॉमर्स में इंटरमीडियरीज का। इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि जो ना तो कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं, वो केवल एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मैं कहूंगा आप डिटेल में इस अमेंडमेंट को जरूर पढ़ लें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जो अमेंड होकर के आया है। इंटरनेशनल लेवल पर ई कॉमर्स आज की चीज नहीं है, ई कॉमर्स बहुत पुरानी चीज है और इंडिया ने भी उसे बहुत पहले अपना लिया था, लेकिन ये सब जो मॉडिफिकेशन है अब लाया गया है। यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है जिसे कहा जाता है यूएन सेंट्रल, यूएन सेंट्रल, सिट्रल सेंट्रल जो आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, कोई बुराई नहीं है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, TRA यहां ट्रेड के लिए यूज हुआ है। ये जो यूएन सेंट्रल है ये एक मॉडल लॉ प्रोवाइड करवाता है ई कॉमर्स के लिए ग्लोबल लेवल पर। इंडिया ने उस टाइम पे ये लाया गया था करीब इस सेंचुरी के बिगनिंग में, इंडिया ने 2000 में ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस शुरू किया इस यूएन सेंट्रल के तहत, यूएन सेंट्रल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, एज वेल एज ई टेक्नोलॉजी, जितनी भी ई शुरू हुई है इंडिया में, ये सब ना केवल इंडिया में, वर्ल्ड के मोस्ट कंट्रीज में वो यूएन सेंट्रल की देन है। आप चाहें तो डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं यूएन सेंट्रल क्या है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब चूंकि इस बार यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए थे स्पोर्ट से भी, तो स्पोर्ट पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेड चेंज हो रहा है, खास करके ऐसे स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। फिलहाल आज के आर्टिकल में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन याद किया जा करने की जिम्मेदारी दी जाए, एक्सेप्ट कि CSK ने फिर से IPL जीत लिया है, है ना। तो आज केवल और केवल CSK के बारे में कही जाएगी बातें। अपने लिए आज के स्पोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद रखने की चीज हो या पढ़ने की चीज हो डिटेल में। आज यहीं समाप्त करते हैं इस न्यूज एनालिसिस को। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार सुने और यकीन माने इससे ज्यादा कभी भी करेंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नमस्कार।